Today, I'm going to be a killer. First time, मैं एक मर्डर करने जा रहा हूं. लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, उनमें से कुछ याद रह जाता है और वही हमारा रास्ता तय करता है. हिंसा से खुशी मनाना मैंने समाज से ही सीखा है. पापा! अरे रे रे, गिर गया मेरा बाप. अरे मार लगा, कैसे गिरा? करपट गिरा. अरे उससे मार गए, और मार 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 मार, बहुत मार, बहुत मार. मेरे लाल को मारता है, मेरे लाल को मारता है, मेरे लाल को. बदले का अपना पहला पाठ मैंने अपने पिताजी से ही सीखा है. ये बहुत शान पट्टी करता है, क्या ये क्या चलना बोलता है ये? चल ए, अबे तुम लोग क्या देख रहे हो? तमाशा लगा हुआ है, जाओ यहाँ से. बाजार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. जहाँ मन हो वहाँ लड़ना शुरू कर दिए. क्या हो गया तुम लोग को? समझ में नहीं आ रहा है. जहाँ मन हो वहाँ सिर्फ लड़ना, और कोई काम नहीं. क्या तुम लोग कॉम्प्रोमाइज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. वायलेंस को रोकना यानी वायलेंस को पोस्टपोन करना. मैंने वायलेंस का रूप देख लिया. बड़ा तिलक, बड़े बाल, 6 फुट का आकार, जंगल के शेर जैसा. नाम है इसका बटुकनाथ और लोग इसे माणिकचंद भी कहते हैं.
बटुकनाथ मानिकचंद। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मानिक, उसने दो खून किए हैं। दो नहीं, चार किए हैं। हाँ। ए, उसे बोलने दे। वो दो मुर्गी खाता है, एक फूल बॉटल पीता है और एक साथ 10 लोगों को मारता है। उसे देख के तो सब लोग डरेगा ही। हे मास्टर जी, अरे मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। हमारे मास्टर जी किसी से नहीं डरते मालूम। हे मानिक चंद से तो हर कोई आदमी डरता है, समझा? देखेंगे। हाँ देख लेंगे। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं लॉयर, नहीं नहीं पायलट बनूंगा। सोनू तू क्या बनेगा? अरे मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ले खा ले पागल। आज तेरा जन्मदिन है, ये पैसे ले और जाकर कुछ खरीद ले। कपड़े खराब मत करना। सोनू, मेरी साइकिल की हवा निकाल कर मुझे बहुत मारा। ए, साइकिल निकालो। मारोगे उतने महान, इसलिए क्रिकेट मुझे पसंद है। मारता ही रहूंगा बॉल को, नहीं तो क्या? क्या रे, हाँ? क्यों आया इधर? ए, की, क्या ये? क्या ये? क्या करेगा तू? किसी की आंखों में डर देखता हूं तो मुझ में डेयरिंग आती है। ए, 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 मैंने पहले कहा कि बच्चा बिगड़ते जा रहा है, अब टीसी दे दिया है एक हफ्ते के लिए। अब पूरे मोहल्ले का सर पे उठाएगा। उन लोगों ने तो टीसी देकर तुम्हें कॉलेज से निकाला है, लेकिन मैं तुम्हें कहां से निकालूं? क्या क्या चिकन? मेरी माँ बहुत अच्छी माँ, सभी की तरह। गुस्सा आता है ना तो तबीयत से तरकारी काटती है। मटन चिकन बना रही हूँ, खाकर मोहल्ले में घूमते रहे ना गधे की तरह। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपने काम से मतलब रखिए। आपका क्या है? आप सुबह जाते हैं रात को आते हैं। हाय मेरा करम, मैंने कैसे आदमी से शादी कर ली है? ये है मच्छा बलराम, मेरे डैडी। किसी के ऊपर भी गुस्सा आता है ना तो खुद पर उतार लेते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। कट गया ना, छोड़ो। डेटॉल ला। डेटॉल बोतल को कुछ नहीं होना चाहिए। ये है छोटू, ये मेरा छोटा भाई, थोड़ा सा शरारती। एक बार मैथ टीचर ने मारा तो मालूम है क्या हुआ? यह है हमारा सेंटर, मैं सम्मा सेंटर। पकड़ो, पकड़ो, मारो, मारो, मारो सारे लोगों से, पकड़ो उसे, मारो सारे, पकड़ो, पकड़ो उसे, मारो, 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 भाग के कहाँ जाएगा? इधर मारपीट बहुत कॉमन, यहाँ कोई भी किसी को भी मार सकता है। इधर की बड़ी डिग्री गुंडागिरी। आज से ये मेरा कॉलेज भी क्लासरूम। अरे चाय ले क्या जल्दी रे, हाँ फटाफट जल्दी ले क्या। क्या रे? ए सुनो, मार उसको, लंबे लंबे बाल वाले पागल को। आई नीड अ बैड गैंग, क्योंकि बुरे लोग लंबे अरसे तक मिलजुल कर रहते हैं। और नहीं तो क्या है यार,
उसके बाल क्या है, दिखने में कितना गंदा लगता है। 10 दिन से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा हुआ तूने मारा। आ बैठ। भाई सोनू मेरा मस्त दोस्त है। ए सोनू, चाय पिएगा क्या? चाय? कॉलेज में मारपीट किया तो टीसी दिया, इधर चाय और सिगरेट दे रहे हैं। सुनो, ये हमारी गैंग है। हाय 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 हाय। इसका नाम है चेतक राज। चेतक माने घोड़ा, सफाई ज्यादा, ड्राइव कम। कितनी बार तुझे मना किया है ना, मेरी गाड़ी पर मत बैठ, उतर नीचे। हाय। ये रामपाल शेट्टी, चाकू से अपना शरीर खुजाता है। भाई बिना चाकू चलाए पिक्चर 50 दिन चली, चाकू वाकू चलाता तो 100 दिन चलती। इसका नाम दस्तगिरी, इसके पास बॉडी तो है पर ब्रेन नहीं। भाई सचिन की बॉडी मेरी जैसी होती तो 6 नहीं 10 मारता। ये दुबई वाला कुछ मानता ही नहीं। 6 के लिए बॉडी के नहीं बैट की जरूरत पड़ती है बेवकूफ। ये अपना बैच लीडर, नाम बाली, बिना सपोर्ट के कुछ भी नहीं। क्या यार तू हमको सपोर्ट देगा ना? ये है काला मलेश, गोपी टाइप, दूसरे का गैंग है और अपने आप को लीडर समझता है। ये जल्दी उठा रहे, आ बैठ, चल चल। अरे कोई रोको, डब्बा चोर, डब्बा ले चोर, अरे भाग यार, अरे चल ना, अरे चला तेज, चल 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 और तेज। देखा भाई देखा। ए क्या कर रहा है रात, केड़ा है क्या? जाने दो भाई, जाने दो, जाने दो, नया लड़का है। कूल बियर है, कूल वेदर है, अभी अगर कोई हॉट हॉट चीज होती तो मजा आ जाता। ये है यामा बैच, इन लोगों से हमारी जमती नहीं, आगे की गली हमारी, पीछे की इनकी, बस दोनों के बीच युद्ध। इधर क्या सेटिंग लगा रखा है, ये हमारी प्लेस है। ए तेरे को झगड़ा करने का क्या? 1 मिनट इधर आ रहे। क्या है? ए तू नया है ना, क्या जमाना देख के चल। ए तू एक काम कर, तू शिवा को मारना, तू राजू को मारना, तू आगे से मारना और तू पीछे जाकर मारना। अरे वो तो मेरे आइटम का भाई है। हम लोग भाई को संभाल लेंगे, तुम लोग ठीक से काम करना। ओके ओके ओके। मार सदन समझता क्या? मैंने कल लक्ष्मण को कैसे मारा देखा क्या? तुम लोगों को आना चाहिए था ना, रहना चाहिए था ना वहाँ। ये बोलता है कि उसने मारा, वो झूठ बोलता है। अगर मैं नहीं होता ना तो उसको तक। अरे झूठ ये बोलता है। अरे उसे धकेलने से क्या होता, उसे मैंने मारा, मैंने मारा उसे। हाँ हाँ इसी ने मारा। तुझे मजाक लग रहा है, देखो देखो मैंने मारा, मैंने मारा। वो वहीं लगा है। मैं तेरे से झूठ नहीं बोलता, मैंने मारा है, मैंने मारा है। चल चल पान वाले से पूछते हैं। अरे वो पान वाला क्या बोलेगा, मैंने बोला ना मैंने मारा। झगड़ा करेगा? मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, झगड़ा अलग तरीके से होता है। अरे मैंने मारा, ये कहा ना, ए मुझे हाथ पकड़ लगा। ए आपस में लड़ रहे हो, चलो चलो। ए चल बैठ। ये कहता है कि इसने मारा, मैंने मारा, मैंने। हाँ भाई हाँ हाँ, तू नहीं मारा है। चल चल चल, मैंने मान लिया तू नहीं मारा, अभी चुप हो जा, चल चल। अरे ओके क्या, ये कहता है मैंने मारा, तूने मारा बस। ये कहता है कि तूने मारा है। अरे तूने मारा ना। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने मारा है, ये बात पहले बताना चाहिए था ना। हाँ ठीक है यार, तूने मारा है, तूने मारा है, चल ठीक। हाँ चल बैठ जा, हाँ चल आ जा, बैठ जा, रोता है, मारा बोलता है। हाँ चलो, इसने मारा भाया, क्या मारा रे तू? अरे आ जा, 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 आ
इस गैंग का टिक पाना मुश्किल है, गैंग को लीडर चाहिए। दिस गैंग नीड्स अ लीडर। भैया भैया क्या हुआ रे? भुयमा गैंग वाला मेरा बाइक छीन लिया। कौन है रे? और ऊपर से मेरे को खूब मारा भी। चलो क्या रे, हमारा भाई कुठिया कर लिया और पूछा तो मारा उसको? हा? क्यों बे? ये पोजीशन मुझे पसंद है, हमेशा आगे रहेगा लीडर। नाउ आई एम रेडी। क्या रे, जीने की आस नहीं है क्या? किसी को मारना है। भड़के कोई शोला जो तूफा कोई उठे, आशा लिए तो हम हर दम चलते ही रहते हैं। Violence is a passion, violence is a wake up call for the destruction. Violence is a passion, violence is a passion, violence is a wake up call for the destruction. Acrobat!
इंडिया हार गया तो किसी को पकड़ के मारो, इंडिया जीत गया तो किसी को निचोड़ के मारो, जीत की खुशी में हार की गमी में भाई वो लफड़ा झगड़े से निकालो। अरे बोर लग रहा है यार, तो उसको मारो। एक खाना जरूरी है प्यारे, सोना जरूरी है, जीवन में हिम्मत होना जरूरी है। उसे तो मारना है लेकिन अपना नाम नहीं आना चाहिए। एक काम करेंगे, गणेश के गैंग से मरवाएंगे। वो मारेंगे तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन। एक काम करेंगे, नकाब पहनकर। ये सही है, मैनेजर से बात की है, परसों सुनवाई है। अपुन मारा, ये मालूम नहीं तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं। हाँ यार, बेटा मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, पैसे लेके भी अगर छोड़ दूँ ये गारंटी नहीं है। ए, क्या तेरे पास क्या है? निकाल। हाँ? सर, ये क्या गुटका है? है सर, गुटका? मस्त रहता सर, गुटका खाता है तू? गुटका खाता है? निकाल। नेल कटर, नेल कटर, नेल कटर, नेल कटर किस लिए होता रे? किस लिए रखा हुआ? निकाल, तेरे पास क्या? कुछ नहीं सर। निकाल। अच्छा, मलिका सरावत। और क्या? मलिका सरावत। कॉन्डम, कॉन्डम सर, हेलमेट जरूरी है ना सर? अच्छा, हेलमेट जरूरी है। तू पैंट पहन के क्यों आया? एक मिनट, डर नहीं डाला सर, आदत नहीं है। स्टाइल में बैठकर आप उनको देख के हंस रहे हैं, कौन है मालूम नहीं, कौन कार्टून। तुम लोगों को अंदर अब तक मुझे किसी ने नहीं मारा, आखिर माँ ने भी फर्स्ट टाइम पुलिस का पावर देख लिया, वैसे ही वीकनेस भी। यही लड्डू है, यानी बटुकनाथ का राइट हैंड। बटुकनाथ इसका गॉडफादर है, जो पहले मर्डर केस में जेल जाकर आया है भाई। क्या गादर, तेरा पेट बहुत बढ़ रहा है भाई। आजकल रात को बियर कुछ ज्यादा ही हो गई है। आप इन दोनों को लेने आए हो ना? हाँ जी। ए, इन दोनों को छोड़ दे भाई, आजकल ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा धूम मचा रहे हैं भाई, जरा इनको संभालो। अब मेरी समझ में आया कि अब तक हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं, इसलिए हमें कोई सलाम नहीं करता। सो वी नीड अ बैकअप। ए, पैसे वैसे का फिकर मत करना। भाई कैसी बात कर रहे हो, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चकर भाई, मैं माधव हूँ। चकर भाई मुझे पहचानता है? चकर भाई बचपन से मेरा दोस्त है। नमस्ते। छुड़ा दो ना भाई। कितने पैसे मांगे? 1000 पूछा। मेरा रेट मालूम है ना, 3000 होते हैं, बाहर आकर मुझे दे देना। दे दूंगा भाई। दे देगा ना? मैं वादा करता हूँ। फिर मुझे शेखर भाई मत बुलाना, जाफर भाई। भाई मैं दूंगा भाई। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पुलिस स्टेशन चला गया, हम लोगों ने कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन इसकी वजह से रखना पड़ा। भैया तूने सूरी को मारा है ना? हाँ। मैंने भी उसके भाई को मारा। क्या? तूने सूरी को मारा है ना? तेरे को छेड़ना मेरे बस की बात नहीं है, तंग आ चुकी हूँ तेरे से। 3000 रुपए तो क्या, मैं तुझे 3 रुपए भी नहीं दूंगी। बस मेरी जान निकालने के चक्कर में रहता है। दे दो। तू पढ़ काम करने के लिए कहा तो तू वहाँ काम नहीं कर सकता शांति से? ये साल तो काम करता रहता है, हमारे कष्ट तो दूर नहीं हो रहे हैं, कुछ सुधरेगा भी नहीं, कभी जिंदगी भी नहीं सुधर सकता। चल जा। कितनी बारी गिनोगे उतना ही है। सब लोग निकम्मे, मार पड़ी तो सच बाहर। मुझे क्या पता था भाई, पहली बार मार खा रहा था मैं। ये ले, मैं दूसरी बार भी मारता हूँ। नमस्कार लड्डू भाई। ए, चलो 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 बाजू में जाओ, उधर 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 चलो, आइए 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 बैठिए बैठिए। अरे ए, देखा क्या भाई ने मुझे कैसे पहचाना, मेमोरी नहीं रही।
ये क्या है भाई, बटुकनाथ को देखा लाखों लोगों में भी लोगों को पहचान कर नाम से पुकारता है, बहुत कमाल का मेमोरी है उसका। अरे होता है रे, मेमोरी नहीं रहेगी तो गुंडा कैसे बनेगा। ओ, मेरा लाइफ पूरा आपके हाथ में है भाई साहब, आपके सिवा कोई नहीं कर सकता ये काम। अभी देखा उसका चैन कितना कीमती है, धंधे में अब तक कितना कमाया पता है, गांव देवी मंदिर के पीछे का फ्लैट उसी का है, अभी बेचेगा तो उसको आंखें बंद करके 20 लाख रुपए मिलेंगे। भाई के लिए चिकन लेके आ, एकदम कड़क होना चाहिए। ये मस्तान को देखा, लड्डू के आने के बाद कैसा हंगामा कर रहा है, आप उन टी पूछा तो मर जाएगा कंट्री साला। ए, आप उनको भी ऐसा ही रिस्पेक्ट चाहिए, ये मोहल्ले में हर इंसान साला मारना चाहिए, सोनू का गैंग यानी सबको डरना चाहिए। यार ए, मेरी सीट पर क्यों बैठा, उठ चल भाई, जा भाई, जा भाई, क्या तो बाद में आ रहे। अच्छा नमस्ते भाई, पूरे हैं भाई। तूने कह दिया पूरा है, लेकिन मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना, ये देखना पड़ेगा भाई, धंधे में विश्वास नहीं किया जाता है भाई। हाँ आपके साथ काम करेंगे भाई। क्या बोला भाई आपके मेरे साथ कभी मटन किया है क्या, किसी लड़की का रेप किया है क्या, कब्जा किया है क्या किसी पर, कभी पुलिस वाले को मारा है क्या तू, ये बच्चों का स्कूल नहीं है जो तुझे एडमिशन मिल जाएगा, चल जा यहाँ से, चल चल चल। ए, एक बियर लेके आ, फाइनल तेरा ही रहेगा। क्या हुआ, कुछ नहीं थे। असल में क्या पूछा है, उनको मारा क्या, इनको मारा क्या पूछ रहा है। यमा गैंग को मारा तो बोला क्यों नहीं, लहर को भी मारा, सूरी गैंग को भी मारा, रंगा गैंग को भी मारा था, उसे भी मारना चाहिए क्या। इन लोगों से क्या डायरेक्ट बात करेंगे, लड्डू से क्या। और ये चांस हमें जल्द मिलेगा। ये सब क्या है रे, दीवार को थोड़ा सा लगाते और नीचे गिराते बहुत सारा, सीमेंट का रेट बढ़ गया है, समझा क्या। क्या रे, ये साला खाली करने को बोला था, जाओ छोकरे लोगों को ले आओ। क्यों रे, खाली करने को बोला था और सुना नहीं। मैं खाली नहीं करूंगा, मैंने खून पसीने कमाई से एक एक रुपया जमा करके बनाया है घर, समझ गया। अब ऐसे ही तो भाई, आप छोड़ो मैं देख लूंगा। क्या रे पागल है क्या, राजस्थानी कौन है, लड्डू भाई है, मर जाएगा मर जाएगा, तू समझता नहीं है इसको भाई, इसको मालूम नहीं है भाई। भाई मेरा नाम सोनू है भाई, मैं इधर का ही हूँ, इधर 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 भाई, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं भाई, जाफर को भी मालूम है भाई। क्या करेगा जाफर, भाई ये सब मुझ पर छोड़ो ना, मैं खाली करवाऊंगा ना, आपको छोड़वा दूँ। ए राजू गाड़ी ला। भाई अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आपने मर्डर किया है ना। छोड़ना यार भाई, फर्स्ट टाइम मर्डर किया उसे हाथ मिलाना या मिलना चाहता हूँ, आपने तो बहुत किए होंगे। जाने दे, मुझे मालूम है भाई आपने किया होगा, आप लोग बोलेंगे नहीं भाई, मान जाओ ना भाई, मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। जाने दे, मान गया मान गया भाई, बचपन से ही बटुकनाथ भाई से मिलने की इच्छा है, मेरा फेवरेट भाई है भाई, शेकहैंड देना है भाई, वाइन शॉप के ओपनिंग के लिए आने वाले, एक बार मिला दो भाई। मिला दूंगा, थैंक्स, राइट ना भाई। हाँ ब्रह्मणस्पद आनश्रिनवन्नो देवस्येद साधनो। पानी छोड़ो। एकदंताय विद्महे भगदुंडा। भाई को देखा कैसा पूजा कर रहे हैं भाई, सुबह 4 बजे उठकर देवी माता की 2 घंटा पूजा करते हैं, महाभक्त हैं भाई। अरे इतना करते हैं तभी तो इतने बड़े आदमी बने हैं ना। ए रिंग बजी देख, देवी माता की कृपा है सब। हेलो समझ में नहीं आ रहा है ना, क्यों जा रहे हैं, कुछ आए तो समझो कोई टपकने वाला है भाई, उन लोगों का कोड बढ़ रहता है, देखा उन दोनों को, बस वही टपकाने वाले हैं। ये सब सीखा कहाँ से, परसों जाफर भाई सेटिंग किया ना उसी से सीख लिया, मुझे भी नहीं बुलाया। अरे मानिक चंद ने किसी का मर्डर नहीं किया, वो तो बस यूं ही बड़ा आदमी बन गया। हाँ क्या बात करता है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, बिना मर्डर किए कोई आगे नहीं बढ़ता, भाई ने भी यही किया। जय माँ दुर्गे। भाई एक बार परिचय करवा दो ना भाई, प्लीज भाई।
भाई मैंने बोला था ना ये सोनू है। भाई नमस्ते भाई, मैं सोनू इसी मोहल्ले का हूँ। लड्डू भाई जानता है भाई, एक फोटो भाई। अरे देख हाथ आया, मेरा शर्ट आया, देख उधर, ये देख देख मेरा बाल आया, इधर इधर मेरा देख, हां देख इधर मैं हूँ। लड्डू भाई मैं, ऐसा क्या है जो तुझ में नहीं है? ए इसका फोटो फुल आया, अपना फुल फोटो कब आएगा? फुल फोटो दिया तो हमारा भी फुल फोटो आएगा। ए लड्डू भाई ने तुम्हें बुलाया है? लड्डू भाई ने हमें बुलाया मतलब हम गैंग में शामिल हो गए। भाई सुनो, आ गया भाई, बुलाया आपने? चर्बी चढ़ गई है तुझे, क्यों मारा उसे? क्यों मारा? ए भाई क्यों मारा उसे? अरे बाप रे, सब कुछ रिवर्स हो गया, मैं जो नहीं चाहता था वही हुआ। एक आइटम के लिए, वो भी एवरेज फिगर के लिए। ये मेरी फर्स्ट बाइक, सब देखो, इरिटेशन सही सही। सडनली क्या हो गया, किधर देख रहे हैं? इसका तो कोई गैंग भी नहीं है, फिर भी इतना बिल्डअप। क्या टांगे हैं? भाई तुम बजाओ। ए नको रे, अरे भाई बजाओ ना, बजाओ बजाओ। छोड़ो, परी है क्या, क्यों लाइन मारे? हाँ। भाई ऐसी लड़कियां हमें पलट कर क्यों नहीं देखती, सोचना पड़ेगा। लड़की वैसे ठीक नहीं भाई। ए चुप ना, गलती तेरा नहीं भाई, रमेश का है। यूएसए में जॉब मिला है, वो अपना पीछे घूमता था ना, ये लड़के और रमेश का कुछ तो। रमेश का? हाँ। उसे यूएसए में जॉब मिला, बड़ा आवारा था, हमें देखकर नकल मारता था। स्टूडेंट था ना तभी मारता था, लेकिन अब सुधर गया। हाँ, है। वो मस्त टैलेंटेड है। हाँ। ए, उसे इतना सेंस कहाँ? हमारे बैच में से जाने के बाद कुछ लड़कों का भला हो गया। सही कहा, क्या वो सुधर गया? उसके पिताजी उसके लिए एक एकड़ जमीन बेचे। तो क्या हुआ, सेटल हो गया ना? भाई बहुत परेशान है, उसका प्रोग्रेस देख के इसको जलन हो रही है।
गर्लफ्रेंड? कहाँ से तू? टिकट नहीं मिला? अरे इज्जत का सवाल है, बोला ना मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। हाय 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 हाय, यही तेरी गर्लफ्रेंड है? ये तो पक्की लुकी आइटम है और तू इसके पीछे घूम रहा है। ठीक है, मेरा क्या, उस लड़की की चार सहेलियां हैं, अपन चारों बांट लेंगे, समझा क्या? अरे यार मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है, चलेगी चलेगी चलेगी, चलेगी। क्या सोनू उसको लाइन मारा है? वो मेरी फ्रेंड है, ऋतिक रोशन की वो दीवानी है। तो टिकट लेकर आ, मैं तेरी सेटिंग कराती हूँ। मैंने सब अच्छी तरह से समझा दिया है, तो अच्छी तरह से हैंडल कर लेना। हाँ ओके थैंक्स, आप जाइए, मैं भाई से मिलकर आता हूँ। जल्दी आना। कभी स्टार्ट हुआ रे? मैं सिनेमा के बारे में पूछ रहा हूँ। स्मॉल डिस्कशन भाई, आ जाओ, इसे 100 रुपया दे दो। ना सर, ये भी मैं ही दूं? कैसे चालू किया? ये लो। रात को मिस कॉल दोगे ना? ओके, कल मिलना। अब जाओ। कौन है, लवर है क्या? तुम सुब्बाराव की बेटी हो ना, बाप को बताऊं? चल किस दे, देना। वन मिनट, तुम यहाँ, तुम्हारे फ्रेंड को सिक्योरिटी? हाँ उठो। अब तक डेवलप नहीं, तेरे फ्रेंड को हेल्प कर, मुझे कोऑपरेट नहीं करती। तो अब मैं जाऊं? कल कितने बजे ड्रॉप करेगा? सेम टाइम। देखी कितना कोऑपरेशन। हाँ बैठ। है ए प्रमिला, तेरी फ्रेंड कोऑपरेट नहीं करती? छी, तेरे कारण अच्छी खासी किस मिस किया। देख तेरी फ्रेंड कैसी डेली की डेली ड्रॉप हो रही है, कल थिएटर आज एटीएम। सीखो जरा, सीखो। इधर आ। सर, ये लड़की कौन है? शी इज माई सिस्टर। इन लो सिस्टर, इन लो सिस्टर, इन लो सर। रुक दो, सर सिस्टर है तो कितना, और सिस्टर इन लॉ है तो कितना? सिस्टर है तो कुछ नहीं, सिस्टर इन लॉ है तो 500। ले लो। बेटा मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ, पैसा लेने के बाद भी छोड़ूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, चल जा। ओके सर। कल लड़की के साथ तुम्हारा बर्ताव ठीक नहीं था। क्या रे, ट्राई किया फंसा नहीं, छोड़ो। लड़की पटाने का तरीका चाहिए भाई। भाई सिस्टर बोला तब रोना शुरू किया या सिस्टर इन लॉ बोला तब रोना शुरू किया? भाई टॉस डाल, हेड आए तो छोड़ डाल। टेल्स गिरा तो फिर से टॉस डालना।
तुम सुनी नहीं? तुमने सिस्टर कहा? इतनी फीलिंग है तो थिएटर में कोऑपरेट क्यों नहीं की? अगर मैं थिएटर में कोऑपरेट करती तो तुम सोचते मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मेरे बारे में गलत सोचते। ठीक है, अब क्या करूं? अब मुझे गले लगाओ ना। क्या सोच रहे हो तुम? ये मुझे फर्स्ट टाइम समझी है। डर लग रहा है। जल्दी करो, मेरे भाई उठने का टाइम हो गया है। ए, तेरा नाम? शुभांगी। शुभांगी, चॉकलेट
खुश होंगे, जीवन तो है एक समझौता। बाय स्वीटो। सुबू। हाँ? पट्टी ले लो। क्या बात कर रहे हो लड़की से? पट्टी ले लो बोला। इतनी क्या जरूरत है, थोड़ा सा शॉर्ट करके बोलो। ले लो। और शॉर्ट करके बोलो। अब समझ में आया हमारे कॉलेज में लड़कियों से कैसे बात की जाती है? हमारे कॉलेज में थोड़ा सा साउंड कम कर। और थोड़ा कम। क्या रे, तुझे इतना मारा फिर भी तेरी गैंग से कोई नहीं आया? हाँ क्या यार, एक मारते ही तुम्हारा लीडर गिर गया। ऐसा करो लीडर चेंज करो। क्यों मारा उसे? तेरी तो कचरा साला, वीआईपी जैसा दिखता है। मारा तो बताना चाहिए ना भाई साहब का आदमी है। भाई साहब का नाम लेना क्या पाप है साले? कितना मारा तब भी आपका नाम नहीं लिया, बताओ। नाम लेता तो मारता क्या? अरे कितना अभिमान है मुझे, हैं? अबे नाम नहीं ले सकता था साले, नाम बता दो भाई। ऐसे लोगों में विश्वास नहीं करना। फेस टू फेस अपन खड़ा है ना, यूएसए जॉब मिलेगा, उड़ जाएगा फुर। फिर भी अपने आपस में लड़ाई। तू भी भाई का आदमी, अपन भी भाई का आदमी। हाँ चल भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक हैं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ओके चल भाई, बाय। साले आज तो बच गए, अभी हम लोग बाहर मिलेंगे तो जान देंगे तुम लोगों को, समझ गए ना? क्या करता है तू? बोलिए। एक काम बोलेगा करे, ये आदमी तो हमने पॉकेट में आ। अब इससे बड़े को खींचना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा गैंग है, झंडा बदलने के लिए क्यों बोला? लोगों को मारने के लिए बोलता, पर ये झंडा बदलने के लिए बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आया। ओके अब बदल दिया। क्या हुआ बोलकर कुछ नहीं हुआ। वो मुझे मार रहा था और तू उसे मारने के बजाय मेरे को मारा, मुझे हटाया। ये रे। मुझे मार पड़ी और तुझे सिगरेट की पड़ी है, सिगरेट की। एक साथ दस दस लोग थे, इतने हट्टे कट्टे थे, वो उनका एरिया है, ठीक है? वहां पर जाएंगे, वहां पर वो लोग जरूर होंगे, एक एक को देख लेंगे। चलता हूँ भाई, कल मिलेंगे। ओके। मेरे Oh!
ये एरिया अनवर भाई का है और तुम लोगों ने उसके आदमियों को मारा। कौन हो तुम लोग? मानिक चंद के आदमी हम लोग। ए, भाई को बोलना कि मैंने छोड़ा है, समझे? छोड़ बोले। चल रहे। ठीक है ठीक है। सीढ़ियाँ, सीढ़ी सीढ़ी से ऊपर। ओके। तेरे को कितनी बार बोला धीरिया, अगर कोई देख लेता तो? किसी ने भी नहीं देखा। ए, मैंने आइसक्रीम खाया, बोलो ना कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट, काजू, वैनिला। मेहंदी अच्छी है ना? इयररिंग्स अच्छे है ना? ये चेन भी है। ए बुद्धू, देख मैंने तेरे लिए गिफ्ट खरीदा है। क्या करी? ये गेटअप मैंने कहीं देखा है? ये नया फैशन है, अभी तक कहीं पर नहीं आया। इट लुक्स रियली गुड ऑन यू। पैंट निकालो। बुद्धू कितना शर्माता है। हो गया क्या? ए रुकना। डेफिनेटली मैंने ये गेटअप कहीं देखा है, कोई डाउट नहीं है, कहीं ना कहीं तो देखा है। जरा यहाँ आओ, जाकर अपने फ्रेंड्स को दिखा, जाओ जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? पहले से ही 3 दिन से इसकी तबीयत खराब है, टैबलेट लिया ना? हाँ हाँ, जा घर जा। तू एकदम पैंट शर्ट में। अरे क्या यार तुम लोग भी। हाय बॉबी। ए भाभी है भैया, सोनू ऊपर जाके अपने लवर के साथ मजा कर रहा है। ए, तेरी दादागिरी बहुत बढ़ गई है आजकल, इसे अपना घर समझ के रखा है, मनमानी करता है। तेरे तो हाथ पे तोड़वा के रख दूंगा। ए तू जा रे, तू जा रे। दादागिरी मेरे को मत दिखाना, समझा क्या तू? हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ हाँ। ए माणिक भाई का फोन है सोनू के लिए। अरे वाह, भाई का सेंटीमेंट तलवार, इसी तलवार से मर्डर करके आज फॉर्म में आया भाई। ये चला के चल। ये माता, हमें भी ऐसी तलवार रोड पे मिल जाती। ये चलाना। अरे क्या है बच्चे, हम दंगल के पास नहीं जाता, दंगल हमारे पास आएगा। मस्त सेटल हो गया बस, इसलिए छोटू अब हम पॉलिटिक्स में एंटर करेगा और बस पेपर वालों का सपोर्ट चाहिए। अरे टूट गया, मुझे गुंडा किसने बनाया? पेपर वालों ने। दोस्त के साथ छोटा सा झगड़ा हुआ, पेपर वालों ने लिखा और मैं गुंडा बन गया। और क्या, पुलिस स्टेशन में मेरा फोटो लगाया, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र सिंह आजाद, भगत सिंह, बटुकनाथ, उनका बड़ा फोटो लगाया, मेरा छोटा फोटो लगाया। छोटू तुम लोगों ने मुझे अपने हाथों से गुंडा बनाया, अब मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करा दो, क्या समझे? हमारा क्या भाई, जैसा आप बोलो। आजकल पुलिस वाले से ज्यादा पेपर वाले हैं डेंजर, हमारे पास ही भी पैसा लेते हैं और पुलिस वालों से भी पैसा लेते हैं। कवर नहीं तो खबर नहीं, आपको मालूम नहीं? मेरी माँ से मैं नहीं डरता, लेकिन पेपर वालों से डरता हूँ। आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हेल्प चाहिए, कैसे भी MLA PVR मुझे सीट दिला देगा भाई। हाँ वो क्या हुआ? हाँ हाँ सर, मेरे को भी मिनिस्टर को मीटिंग है, जरा फिकर ना है। ये लो छोटू, ये प्रसाद लेकर जाओ।
बेटा। थैंक यू। ओके। ये चिन्नी को दे देना। नरसिंह ने। देख रहे ना तू? किसने किया ये? कितने अच्छे से किया? कितने को गिराया? 4 बार भाई। ये फोटो है ना? ये जनरल हमारा फेवर का है भाई। कौन है ये? नमस्ते भाई। मारा ना वही लोग हैं भाई। अरे इतना छोटा बच्चा लोग अनवर गैंग को कैसे मारा? अरे तूने अकेले मारा क्या? प्रणाम भाई। नहीं भाई अकेले नहीं, सब लोगों ने मिलके किया है भाई। यानी सोनू मेन है भाई। हाँ भाई सोनू ने ही किया है सब। अच्छा। भाई नमस्ते भाई, वो वाइन शॉप की ओपनिंग में मिला था ना आपसे। क्या रे तू तो बोल रहा था कि 5000 लोगों के बीच में पहचान लेगा। इतना छोटा बच्चा लोग नानवर गैंग को मारा। अपना छोकरा है भाई, झंडा बदलने के लिए मैंने ही बोला था। अच्छा अच्छा मस्त है, अपने साथ रखो। बचपन से झंडा लगाने की इच्छा थी, आज पूरा हो गया। तेरा डेयरिंग बहुत पसंद आया। चारों तरफ बम उठोगो जल्दी। अभी से ये लैंड भाई भटुकनाथ का समझो। ये फोन किसे कर रहा है तू? पीवीआर साहब को बात करना है। बात करो साहब, लड्डू लाइन पे है साहब, बात करना है। बात करो, बात करो, बात करना है, बात करो भाई। मैं इस बैच में नया हूँ, डीआरवी कौन है मैं नहीं जानता। पकड़ इसको। चल रहे काटिए ना। ये साइज नहीं है मेरी यारों फोन नंबर। ओ क्या बात है, एक नहीं दो नहीं 27। ये उम्र नहीं है मेरी यारों MRP रेट। मदमाता है बदन हमारा हर कोई है मेरा दीवाना। डूब गई है दुनिया मेरी आंखों में। मैं रानी मधुमक्खी हूँ बैठी अपने छत्ते पे। भवरे रस के प्यासे चले आते हैं हर लोक में।
जा रे जा रे जा रे जा रे जा रे कहे मुझको करे इशारे मानिकचंद भैया मानिकचंद कोई डाउट नहीं है भाभी हो जाएगा और भैया मानिकचंद का राइट हैंड है राइट हैंड बोलते हो ये तो लेफ्ट हैंड में खड़ा है ए छोड़ो जाके शैंपू ले क्या समझ गया तो मम्मी तो पापा समझ लेना दरवाजा बंद कर लो आजकल बहुत होशियार हो गया है क्या प्रॉब्लम है एक वट वट मानिकचंद भाई के साथ तुम्हारी कोई चलती भी है कि नहीं चलती है बताओ क्या हुआ कुछ नहीं थोड़ा सा लगा हाँ तुम बोलो कुछ नहीं सोनू वो मेरी फ्रेंड है ना सुजाता कौन कौन अरे वही जो स्पेक्स लगाती है थोड़ा सा डल है उसकी मैरिज फिक्स हो गई है उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है उसके पिताजी उस जमीन को बेचकर उसकी शादी करवाना चाह रहे थे गया क्या नहीं मैं क्या बोल रही थी यही ना कि लैंड खाली करवा कर उसकी शादी करवानी है प्रॉब्लम है ना मैं मानिकचंद से बात करूंगा ओ माय सोनू यू आर सो ग्रेट तो मैं उनको लेकर आऊं लो ये गया तुम्हारी आंखों से गया क्या कहां है अरे मैं नखरी करूं तो तुम मुझे मनाओगे ना मनाओ ना मुझे प्लीज जल्दी से किस दे दे नहीं दूंगी अभी दे देना प्लीज आए आए जाने दो उसको तू दे दे किस दे दे ओ ओ ओ आई अंकल जी आई नमस्ते भाभी नमस्ते भाभी ये अंकल जी और ये है सोनू जी वो आपने कहा था ना कि सब कुछ ठीक कर देंगे आप इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ बैठिए ना अंकल जी बैठिए तुम भी बैठो ना वो तुमने कहा था ना कि सब कर दोगे इसलिए मैं लेकर आई हूँ वो कौन है पार्टी कौन सी है अंकल हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है तुम देख लेना सब कुछ चाय के लिए ऑर्डर दो ना ए, तीन चाय दे एक स्ट्रॉन्ग चाहिए सोनू वो देखो ना वो होटल वाला मुझे कैसे घूर घूर के देख रहा है हाँ तुम बोलो अंकल जी
आपको जो कुछ कहना है इनको कह दीजिए, ये सब सॉल्व कर देंगे। सोनू जी है तो नो प्रॉब्लम। लैंड कहाँ पर है? रोड नंबर 24। रोड नंबर 24 वही ना जो कैंसर हॉस्पिटल के बगल में है? वो वही वाला स्ट्रीट के बाजू में जहाँ तुम मुझे हक करके गए थे। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। कुछ बोलो ना। अरे शुभु ने कह दिया ना काम हो जाएगा। कहाँ फंसा रही है ये? कोई डाउट है तुम्हें? तुम्हें तो कह रहे थे सब सॉल्व कर दोगे। ए अरे जनरेश भाई क्या बात है भाई। अरे भाई हमारे बारे में भी कुछ लिखो भाई, आजकल हम लोग भी पब्लिक को मार रहे हैं। अरे अरे उठा के दे सेल। सेल का क्या कर दिया? ए सर को नया खरीद के दे। आइए भाई आइए, इधर बैठिए। आप फिक्र मत करो, मैं मानिक भाई से बात करूंगा, आपका काम हो जाएगा। हाँ ठीक है। और कल सुबह आ जाओ। हाँ 8 या 8:30 ठीक से बोलो ना। 8:30 आप लोग आ जाइएगा, सोनू रेडी रहेगा। फिक्स। हाँ बेटा, मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया मगर कुछ भी नहीं हुआ। अब तुम ही मेरा काम कर सकते हो वरना मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी बेटा। अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, सोनू सब ठीक कर देगा। ए, तू क्यों रो रही है? मैंने तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल दिया, सब कुछ ठीक होगा ना, इसलिए डर लग रहा है। ए, इसको लेके जाओ यार। ए, बुड्ढे जाना, चल निकल इधर से, बोला ना काम हो जाएगा तेरा, चल जा। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? ये लड़की लोग तो बहुत परेशानी है भाई। काम हो जाएगा ना, प्लीज कर देना। अरे क्या फोटो देखती है रे? हाँ मिल जाए तो। क्या रे मेरी फोटो आई क्या? क्या रे चाहिए भैया? नहीं चाहिए। सोनू भाई रात को मेरी शादी है, जरूर आना। शादी कर रहा है तू है यार। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ है? भाई अंदर है। आइए आप। भाई नमस्ते भाई, आ जाओ भाई। ये मेरे अंकल है बाप जी, आरटीओ में काम करते हैं। बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते हैं मगर कोई थर्ड क्लास आदमी है सुधाकर रेड्डी। अंकल आप फिक्र मत करो, भाई सब कुछ देख लेंगे। क्या है ना भाई, वो वहाँ शॉपिंग मॉल बन रहा है भाई, थोड़ी सी जमीन चाहिए थी इसलिए बगल की जमीन ने कब्जा कर लिया। इनकी बेटी की शादी रुक जाएगी भाई, जरा आप उसको वार्निंग दे दो, मैंने उसके बारे में इंक्वायरी निकाल ली है। लास्ट नंबर क्या है, 1 या 7? 7। भाई बात कर लीजिए आप। जाओ तुम। बोला ना जाओ। आए इसीलिए हम पहले ही कहते थे कि इसको सर पर मत चढ़ाइए, बच्चे हैं जहां रहना चाहिए वहीं रहना चाहिए। देखा ना कैसे सर पर चढ़कर बोल रहा है सारा। मणिचरण की ऐसी की तैसी, वो अपने आप को समझता क्या है? वो कोई काम खुद थोड़ी करता है। ए, दूसरों को बोल के करवाता है ना, जब वो खुद करेगा तो पता चलेगा। उस इंस्पेक्टर का नाम क्या है? वीर रेड्डी। हाँ वीर रेड्डी। हाँ वीर रेड्डी। वीर रेड्डी कौन है पता है? उसकी अच्छी खासी धुलाई करके कपड़े उतार के रोड पे घुमाया था। अभी भी साले की वैसी हालत नहीं हो सकती क्या? बोलो ना तुम कुछ। भाई उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, सब गुंडा बन जाते थे, लेकिन अब इतना आसान नहीं है। किधर से आया तू? वो काली आया ना, उसने दावत दी थी, वहीं से होके आ रहा हूँ। ओ वहां से आ रहा है तू। एक बात बता, तेरी मुलाकात पहले मुझसे हुई थी या उससे? भाई आपसे। ए भटुकनाथ का भाई से झगड़ा हो गया है। कालू से तो आपका कोई झगड़ा नहीं है ना भाई? तेरी तो ए चुप।
ए, रो मत, तुम्हारा काम होगा, मैं करूंगा। मानिक जन से पंगा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा ना? क्या बोले सुनते भी नहीं है ना? क्या डिस्कशन हो रहा है भाई? मानिक जन से झगड़ा ठीक नहीं है बोलता है। ये सब तुम मुझसे कह सकते हो ना? आपस में खुसूर फुसूर क्यों? ए, सामने वाले से मुकाबला करेंगे तभी वैल्यू बढ़ेगी। करेक्ट भाई। अरे गुस्सा आता तो मारता था ना? अरे अभी बच्चे हैं बच्चे, जब मैदान में उतरेंगे ना तो पता चलेगा। दूध के दांत अभी झड़े नहीं है, आगे हैं दादागिरी करने। भाई एक बार फिर से सोच लीजिए ना भाई। ए, क्या सोचेंगे कहते कि तुम? जो होगा देख लेंगे, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं ना, हम बस डील कर रहे हैं। ए सत्य, कल 7 बजे सब स्पॉट पे होना चाहिए, सबको फोन कर। डॉक्यूमेंट्स है ना? हाँ जाओ तो डॉक्यूमेंट्स ले और वहाँ करेक्ट टाइम पर पहुँच जाना। पिताजी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सुबह को इस बारे में नहीं बताना। अंकल 5,000 दे दो, बच्चों का खर्चा पानी, एंजॉय के लिए। ए दुबई कहाँ है? उसके घर पे कुछ काम था, उसलिए नहीं आए भाई। हमारे घर में काम नहीं क्या? हम नहीं आए? गधा कहीं का। वो नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा क्या? सुनो, किसी के नहीं आने से हमारा काम नहीं रुकेगा। भाई लड्डू आया। आने दे भाई लड्डू आया। उससे ज्यादा बात मत करना, वो कुछ नहीं कर सकता है। वो आ रहा है भाई। ए बैठ जा। क्या रे सोनू, बोर्ड वोर्ड निकाल दिया क्या? कौन आया पता है क्या? अपना भाई आया है भाई, सुनता नहीं क्या रे सोनू? भाई यह निकालो, यह प्रॉब्लम दे रहा है। ए, मेरा मैटर मालूम नहीं, 4 मर्डर नहीं 7 मर्डर किया है 7 मर्डर किया है। सुन रहा है ना मेरी बात? तूने कितना खून किया उससे मुझे क्या मतलब, मैं एक करूंगा वही बहुत है। चल रहे। ए, मन में क्या बोला रे? ए, खाली करो। ए, पैसा निकालो। ए, बाहर निकलो। ए, सोनू बाहर निकलो। ए, मैं चमचों से बात नहीं करता, भाई को बोलो बात करना है तो आ जाए। साला नहीं निकल रहा है। ए, साला मेरे सामने भाई 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 मुझे भी सेट होना है ना भाई। दरअसल ये जमीन मेरी है लेकिन सुधाकर के आदमी ने। भाई 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 मेरा आदमी है ये, मैं लाया उसे। भाई 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 मारिए, मुझसे बात कीजिए। भाई 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 मुझसे बात, भाई मुझसे बात कीजिए ना भाई। भाई आप मेरी बात तो सुनिए भाई, उसे क्यों मार रहे हैं भाई? मेरी बात सुनिए भाई, मुझसे बात करिए ना भाई। भाई क्या कर रहे हैं भाई? Thank you.
देवलेश, वो कुछ करेगा क्या? बोलो, कुछ नहीं करेगा। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करेगा। तू डरता काहे को है? धीरे बोलना, इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैं धीरे बात कर रहा हूं ना, गधा कहीं का। डरता हूं मैं उसे? वो मारेगा तो हम भी मारेंगे, समझ रहा है क्या? माधव चलो उठ उठ उठ, अभी चलकर मारते हैं साले। उठ उठ उठ, छोड़ो ना भाई, छोड़ो ना। ये गाड़ी आई भाई, स्कॉर्पियो आया। ये तो माणिक की गाड़ी लग रही है। कौन आ रहा है? कौन है? ए तू जाकर देख। मैं जाऊँ क्या? तू नहीं, तू जाकर देख। हाँ। वो नहीं होगा भाई। तो कोई जाता नहीं। कहाँ से हो तुम? बाइंदर। किससे मिल आए हो? मिनिस्टर से। ओह ये एरिया अच्छा नहीं है, समझे तुम? ए इसको चिल्ला देकर जल्दी भेज। उससे क्या बकबक कर रहा है वो? तू कहाँ से? तू यहाँ पर क्यों आया? मैं खुद नहीं आया, वो लेके आया तो आ गया। ए बाबू, क्या बोल रहा है मेरा भाई? मानिक चंद को मारेगा? ओ न्यूज में आ गया। क्यों रे, तुझे नहीं पता? यानी गलत, तेरे पास न्यूज नहीं है क्या? हाँ झूठ बोलता है। मुझे पता था ऐसे ही होगा। ए, क्या हुआ? क्यों बच्चों की तरह रो रही है? मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कुछ होगा कि नहीं, तुमने बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया। पर तू रो क्यों रही है? मुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर, तू रो मत। कोई फिक्र की बात नहीं है, मतलब काम हो जाएगा ना। मैं कितना डर गई थी, अभी मैं सुजाता के फादर को क्या बोलूं? ए छोटू इधर, इसको अर्जेंट लेके जाए यहाँ से। ए घर में किसी को पता नहीं ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, समझ गया? हाँ, मलेश का नंबर है ना? ए ए चल लेके जा इसको, गाड़ी है बाहर खड़ी है। ए बाय सोनू। ए जोड़ू, अभी जा जा। मेरे पास दो रास्ते थे, एक माणिक चंद से डर कर भाग जाना, दूसरा उसका मुकाबला करना, और मैंने दूसरा रास्ता चुना। अरे देख तो, इसी ने माणिक चंद को मारा है। अच्छा? हाँ बहुत ही खतरनाक लड़का है। हाँ भाई भाई, इधर ऐसा माहौल है तो सेंटर में कैसा रहेगा? क्यों बटुकना से डरता है क्या? फिर मारेंगे। ए जलट, ए क्या बोल रहे? तुम लोगों को मानिक चंद के आदमी ढूंढ रहे थे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने मानिक चंद को धक्का दिया था? सिर्फ धक्का नहीं दिया, मारा। ए वो लोगों से धकेला कहता फिर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। अरे बटुकना से फिर डर रहे हो भाई? उसको फिर मारेंगे। ए ज्यादा बात बंद कर, चल निकल यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। मारा क्यों? मैं इस बस्ती के कॉर्पोरेट होकर भी उसे बात करने से डरती हूँ, और तुम लोगों ने
तुम लोगों ने आंखों से धकेल दिया? धक्का नहीं दिया, मारा। तेरी तो। अच्छा ये बता, तू नरसिंह का बेटा है ना? नरसिंह यादव। हाँ इसलिए साले तेरी आदतें बाप जैसी है, गधा कहीं का। तेरे बाप की कितनी इज्जत है जानता है? जिंदगी में उसने कभी छोटी सी मदद भी नहीं मांगी मुझसे, और आज पहली बार सुबह सुबह मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा था। वो कह रहा था दीदी मेरे बेटे को बचा लो, माणिकचंद पता नहीं मेरे बेटे का क्या हाल करेगा। वो हाथ पैर जोड़ रहा था और मैं घबराई हुई इधर आई तो तुम लोग यहाँ हथियार लेकर खड़े हो। तुमने माणिकचंद से पंगा लिया, इस डर से रात भर तुम्हारी माँ ने खाना नहीं खाया, रोती जा रही है रोती जा रही है। तू अपनी माँ को ऐसे रुलाता है नालायक? मेरी कोई गलती नहीं। चुप, गलत काम करता है और मुझे जवाब देता है। सुनो आप तुम लोग अब बिल्कुल चिंता मत करो, पीवीआर एमएलए मुझे अच्छी तरह जानते हैं। पीवीआर के घर जाकर मालिकचंद से बात करके मैं सब सेटलमेंट कर दूंगी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है? ए तुम लोग चलो 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 बाहर निकलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर सुना है कि आपने अपने साले को सीट दिलाई है सर। प्लीज सर। हाँ सुनो, अरे हमारा सब आदमी आया क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ये भगवान मेरे ऊपर कृपा करना। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, इनको लेकर आओ अंदर आ जाओ। आ गया ले तू, इतना छोटा है, गुस्सा आएगा तो मार डालेगा क्या? सर कैसी बात करें सर, जानबूझकर थोड़ी किया, उनके एक इशारे पर हम जान देने के लिए तैयार रहते थे। सर मेरा नाम सोनू है, कोई आम आदमी नहीं हूँ जो मैं उससे डरूंगा। मैंने मांगा ही क्या था, छोटी सी हेल्प मांगी थी, वो भी देने से मना कर दिया। हम लोग उसके लिए क्या क्या करते थे सर, आपको शायद पता नहीं है सर। हमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया बोलना नहीं चाहिए सर, हमने उसकी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। कोई प्रॉब्लम होता था तो हम लोग जाकर मारते थे। अभी जो कारपोरेट इलेक्शन हुआ उसमें चोरी से वोट डाले, पुलिस ने हमें अंदर भी कर दिया था सर। एचआईवो। ओके सर, वो सब छोड़िए सर, इतना ही नहीं सर, माणिकचंद के सामने कोई भी खड़ा हुआ तो हम सब मिलकर हमेशा जाकर जवाब दिए सर। सर ये तो बात ठीक है, बोल बेटा बोल जो भी बोलना है। हमने जो भी कुछ किया सर वो जानबूझकर नहीं किया, हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं सर, जो भी कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ। वो क्या है ना सर, ये छोटा सा बच्चा है ना। जो हो गया सो हो गया, मैंने उसको धकेला, अब वो हमें जान से मारना चाहते हैं। आप जैसा कहो हम वैसा करेंगे। आप सब आपके हाथ में है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते, ये सोनू का बाप है। हाँ भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते, बैठ बैठ, और धंधा तेरा मस्त चल रहा है ना, और ये सब क्या सुन रहा हूं? तेरा ये बच्चों से क्या झगड़ा है? एक मिनट, बाहर चलो। ए बाहर चलो, चलो बाहर। क्या बोल रहा था, खत्म कर देगा इनको? अरे तेरे आदमी घूम रहे हैं ना, उसने जो किया वो अनजाने में किया, तेरी इमेज क्या रहेगी पब्लिक में? अरे हमारे बच्चे हैं, हमको देखना होगा, यूथ है, यूथ तो चाहिए ना। अभी तो गुंडा नहीं रहा, पॉलिटिक्स में आ रहा है, पॉलिटिक्स में ताकत नहीं दिमाग चाहिए, दिमाग। गुंडागर्दी और पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है, पॉलिटिक्स में रिवेंज नहीं होता, सब कॉम्प्रोमाइज होता है। रुआब करने के लिए हमारे पास बहुत सारी पार्टियां होगी, समझे तुम? क्या रे काली, तेरे को दिमाग नहीं क्या, छोटे छोटे मैटर में भाई को इन्वॉल्व करता है? तुम लोगों को खुद सेटल करना चाहिए, अगर थोड़ा भी रिवर्स हुआ ना तो वो हीरो बन जाएगा। इसी तरह से छोटे से आदमी को तुम लोग बड़ा कर देते हो। सर वो प्रेस मीटिंग। ठीक है मैनेजर, मैं कह रहा हूँ ना छोड़ दे उसे, बच्चा है, कम्प्रोमाइज कर ले बहन, सब कुछ हो गया, कम्प्रोमाइज कर दिया। हाँ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। और ए वो कहाँ है? अरे सुनो, मेरा क्या प्रॉब्लम है, लैंड है ना, वो दे देगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर, जो प्रॉब्लम उसी लैंड को लेकर तो है, आपके पास आए थे सेटलमेंट करने, आप ही ऐसा बोल रहे हैं? ये क्या बात कर रहा है? दिमाग खराब हो गया, मैं बात कर रहा हूं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? आप कुछ मत बोलो। देखा देखा, समझ में नहीं आती बात। देखा ये कम नहीं है भाई, जादूगर है जादूगर। भाई आप रहने दो, ये आपका मैटर नहीं है,
मैं इसको संभाल लूंगा। तुम लोग सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना, कभी मत आना तुम लोग। भाई, भाई मेरी बात तो सुनो। ये पार्टी का ऑफिस है, इसलिए तू जिंदा बच गया, वरना तेरे छोटे छोटे टुकड़े काट देते। लड्डू, इतनी जल्दी क्या है, मैटर भी खत्म नहीं हुआ है। चलो चलो, ए चल जाना। ए, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अरे तेरा बेटा है, छोटा बच्चा समझकर मैं लेकर आई, गलती हो गई मुझसे, मैं अपने आप को मार लेती हूँ, चल जा। भाई मैं तो ऐसा सोच रहा था कि आप सॉरी बोलने वाले हैं, लेकिन आपने तो पलट कर उसको ऐसा जवाब दे दिया भाई कि इतना मारा है ना, वापस हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ क्या मारा था ना उनको, चला बहुत दिनों से हाथ बहन फील करेगी, भाई फील करेगा, ये सोचकर यहाँ काम नहीं होता। सुना क्या भाई, तुमने प्रेस वाले को देख के हाथ डाला ना, मुझे सब मालूम है, सही किया भाई, सही किया भाई। ऐसा मारा ना उनको, बटुकना जिंदगी भर याद रखेगा, कभी दोबारा झगड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा। ए, सब जर्नलिस्ट को पैसे दे दिया ना? अभी दिया भाई, बड़े बड़े नोट दिए मैंने। हाँ फिर तो अपने बारे में जबरदस्त लिखेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कालिया जरूर प्लान करेगा, मुझे डाउट है। ए, कुछ नहीं करेगा, वो लेडी है ना, उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है, वो सब कुछ संभाल लेगी, मैं देख लूंगा ना यार। मैंने कहा था ना ये पार्टी वालों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ भाई, पार्टी ऑफिस में जाके झगड़ा किया ना, इसलिए इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया भाई। हाँ। मैं बोला था ना जमानत होने वाला है। जमानत होगी। चलो भाई चलो, जमानत होगी, जमानत होगी। अब मजे आ गए, मजे। सोनू, पूरा मैटर पब्लिक में उछल गया है, सारे पेपर्स में न्यूज छप गए हैं, सब जगह तू ही तू है। सुधाकर रेड्डी ड्रॉप हो गया, हम केस जीत गए हैं और वो लैंड हमारी हो गई। अब तू ऐसा वैसा नहीं रहा, तू तो हीरो हो गया है। अब तेरे ऊपर कोई भी हाथ उठाएगा तो बहुत बड़ी न्यूज हो जाएगी। भाई यहाँ साइन करो, उधर नहीं भाई इधर करो। भाई उस दिन गलती से कुछ कह दिया था, माफ करना, और मैंने आप पे हाथ भी उठाया था, भूल जाना प्लीज भाई, मुझे माफ कर देना। ये घड़ी जो है ना, ये आप पे ही अच्छी लगती है भाई, आप पहनो इसको। हाँ आप पे बहुत अच्छी लगती है, आते जाते रहना पुलिस स्टेशन, ये अपना ही आदमी है। हाँ इसे रखो। तेरा क्या है? कंडोम विद मल्लिका शेरावत। यूज किया क्या? हाँ। दाल पराठे वाली रे, पूरन पौली वाली रे, आओ रे। क्या रे? एक नारियल फोड़ो रे, कुमकुम तिलक लगाओ रे, उसकी नजर उतारो रे, आओ रे। आया रे। टिकटों से वाली रे, दाल पराठे वाली रे, पूरन पौली वाली रे, आओ रे। ए, ए, ए। एक नारियल फोड़ो रे, कुमकुम तिलक लगाओ रे, उसकी नजर उतारो रे, आओ रे। वो देखो देखो रे, stop the freak the boots.
हटो यार, शर्म न कर, हो जा शुरू, जी भर के तुम खाओ, बिरयानी है खाओ। जियो जियो, ऐसे जियो, एक मर्द है जैसे जीता, महल का राजा जैसा, हार चढ़ाए, हंसते थे कल तक हम पे। हे झुक झुक के, करे नमस्ते झुक झुक के। अरे बेटा पैसे। ए, जानता है कौन है? सोनू का भाई है, तो चल ना। एवरीबॉडी 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 रॉक योर बॉडी। हे बन के आया डॉन अपना शानू। कॉफी लाऊं क्या? हाँ ले क्या। नमस्ते सोनू भाई। सोनू को आदमी है, उसके बाद भी केस किया तुमने? अरे तुम चुप रहो। अरे बच्चा चुपचाप खेल रहा था, उसे ठोकर मारकर चला गया। क्यों रे, देखना चाहिए था ना कि बच्चा कैसा है। अरे भाई बच्चा खेल रहा था, मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा नहीं मैं क्या करता, जरा सा बच्चे को टच हुआ नहीं कि ये लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भाई मैं क्या करता, तो क्या बच्चे मतलब? गाड़ी चढ़ा दोगे? अरे बच्चे को खिलाना है तो ग्राउंड में खिलाओ, रोड पे क्यों खेलने के लिए छोड़ते हो? मतलब तुम आंखें बंद करके गाड़ी चलाओ? बिल्कुल हराम नहीं, तुम लोग जानवर हो। मुझे जानवर मत बोलो, तमीज से बात करो। अच्छा नहीं होगा, ऐसे कैसे बात करते हो? गाड़ी और कैसे बात करो क्या? ऐसे सड़क पे बच्चे नहीं खेलेंगे और कहां चलेंगे? चुप रहो ना, मैं हूं ना भाई। भाभी का फोन। हाँ बोल। ए सोनू क्या कर रहे हो? बिजी हूँ मैं, सेटलमेंट कर रहा हूँ, फोन रख। सुनो, अगर तुमने केस वापस नहीं लिया ना तो एक साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। मैंने भी यही समझाया भाई, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे। ये देखो, तुम्हारे बच्चे का जो भी खर्चा होगा वो ये करेगा। ए, क्या बोलता है तू? भाई आपका जो फैसला होगा। कौन भाई, आपने FIR लिखा है क्या? कोहरे कागज पे कंप्लेंट ली है, फाड़ दूंगा। अरे अपने ही छोकरे लोग हैं, पहले यही बैठकर चाय पीते थे, मैं इनको डांटते रहता था, अभी मस्त तरक्की कर लिया। हाँ खुश हो ना? हाँ भाई। हाँ ओके ना, चलो खान भाई चलते हैं। ओके हाँ, और हो गया ना सब फाइनल? हाँ, सुन माधव, इसका सेटलमेंट किया ना, पैसा ले लेना। ठीक है। मेरा बॉयफ्रेंड घर वालों से नहीं मिलता, मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम क्या चाहती हो? प्यार का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, पूरे शहर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? तुम तो सबसे बड़े गुंडे हो, तुम्हें देखकर सब लोगों ने डरना चाहिए, फिर मैं तुमसे क्यों नहीं डरती? हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं क्यों नहीं डरती? बोलो बोलो बोलो, चलो डरो ना। एक मिनट, फोन है, एक बार रुको ना, फोन है ना, डरो ना। ए रुकना, चुप रहना, मुझसे डरो ना। एक मिनट रुकना प्लीज, डरो। अरे रुक, एक बार सुनो, मुझसे डरो, मुझसे डरो ना। क्यों रे बहुत नखरे करते हो? अरे तुम मेरी वजह से गुंडे बने ना, और आज तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। क्या हो रहे भाई? आपका नाम बोला तो पार्टी सेटल हो गया। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने क्या किया, रेस्पेक्ट के साथ बोला तो सोनू भाई के नाम से काम हो गया, अपना सिक्का चल गया भाई। क्या रे,
लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? मुझे तो पता नहीं भाई, बाहर अपना बहुत नाम है भाई, ऐसा पूछो कि अपना बहुत नाम चल गया। अच्छा, मां कसम सती से पूछो भाई। क्या रे सती? हाँ। समझ में आया ना मैं क्या चीज हूँ? हाँ। अब आगे आगे देख क्या क्या होता है, साला एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। भाई भाई क्या हुआ भाई? डर गया, डर गया क्या भाई? कुछ नहीं, तू बोल भाई। शंकर मेटल का क्या करेंगे भाई? कौन शंकर? यादव का कजिन। कौन यादव यार? वही भाई, नरसिंह का छोटा भाई। अच्छा, यादव को मारेंगे तो शंकर आएगा, और शंकर को मारेंगे तो यादव आएगा। एक काम कर भाई, तू डायरेक्ट नरसिम्हा को मार। क्या तुम नहीं मारोगे? वो लोग उन्हें मारेंगे और तुम्हारा नाम होगा। मुझे किसी को मारने की जरूरत नहीं रहे, मेरा कोई भी आदमी मार देगा। तू अपनी बात। मेरे घर वाले अब मेरी शादी दूसरे से करवाएंगे, तो मुझे भगा कर ले जाने के लिए तुम्हें तो आना होगा, समझे क्या? हाँ ठीक है। अरे दूसरा कोई आएगा तो काम नहीं चलेगा। ये एरिया तुम्हारा है? डाउट है क्या? तो फिर वहाँ माणिक भाई का क्यों नाम लिखा है? लड्डू को कितना परसेंट देता है? 40% सोनू। आज के बाद उसको देने की जरूरत नहीं, 20% मुझे दे, काम हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लड्डू भाई हमको खत्म कर देगा और दुकान भी तोड़ देगा। तेरे कितने वाइन शॉप है रे? 3 भाई। दो भाई बोला तो क्या समझता है रे? बोल क्या समझता है तू? इधर मोनिका नहीं है, साला किधर है बार का मालिक? बुला उसको, बुला बुला। इधर मोनिका क्यों नहीं आई? तू इसके लिए बार डाला है? मैं सबको देख लूंगा, समझा? बुला अपने मालिक को, कहाँ गया हो? ए शक्ति को पकड़ रहे। कल आएगी, कल क्यों आएगी? आज क्यों नहीं आएगी? बोल तू मेरे को, नहीं लाया तो काट डालूंगा, फोड़ डालूंगा, तोड़ डालूंगा, समझा क्या? इधर आ रे। सुन क्या? जा जा। क्या जाने बे? ए भाई बिजी है, मैं बाद में बात करता हूँ, तू जा। हाँ, ये माणिक भाई का बार है, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। तेरी तो क्या समझा? चल निकल इधर से, चल काट डालेगा तेरे को, समझा क्या? कम समझते है क्या? क्या समझते है भाई? ये वाइन शॉप वाला बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, माणिक चंद को इतना कमजोर मत समझो, वो इतनी आसानी से हमें छोड़ने वाला नहीं है भाई। ये उसका वीकनेस नहीं है, उसका ग्रेटनेस है। अभी वो राजनीति में है भाई, इसीलिए चुप बैठा हुआ है। ये वाइन शॉप के मैटर में हमने जबरदस्ती उसे खींचा है भाई, वो जरूर हम पर अटैक करेगा। वो सच में अटैक करेगा क्या? हाँ करेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम ही कर देते हैं। ए चलो रे, बटुकनाथ को देख लेंगे। अरे माणिकचंद को देख लेंगे, चलो चलो बैठो, चलो उसको बहुत हो गया दादागिरी। चल चल चलो भाई, चलो चलो। भाई सती और रामू तो उधर ही रह गए। एकदम जीत गया ना साला, पीछे पीछे आ जा साला, पीछे घेर के मारेंगे सालों को। आए चलो भाई, चलेगा भाई, देख के चलो भाई, भाई भाई चलो भाई। साले को खत्म कर दो, बड़ी मुश्किल से मिला है। आज बचने लगा।
बॉल को मारो तो इतना बड़ा फोटो छापता है, आदमी को मारो तो इतना छोटा फोटो। बॉल से आदमी लोग चीप हो गया है क्या? और क्या? उस पेपर वाले को फोन करो, क्या समझता है वो? भाई साहब बहुत डेरिंग बाज लड़का है, खतरनाक, बड़ा गैंग है उसका। कौन है वो? पहले माणिक चंद का आदमी था, एक दिन उसने सबके सामने माणिक चंद पर हाथ उठाया। सर जो कहेंगे वो करेगा? फिक्र मत करो साहब, हम जो बोलेंगे वो करेगा। इस शहर में सिर्फ वही है जो माणिक चंद के खिलाफ जा सकता है, सिर्फ उसको बोलो, हर बात की गारंटी है, वो करके दिखाएगा। आप मेरी बात सुनो, उसको काम दो, आपका काम हो जाएगा साहब, बाकी उस पर छोड़ दो। उसको खाने के बांधे थे, मैंने उसको काम दिया, पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी उस पर सौंप दिया, मगर उसने मेरे साथ धोखा किया और मेरी पूरी प्रॉपर्टी माणिक चंद के नाम कर दी। माणिक चंद को जो भी चाहिए वो उसे अरेंज करके देता है, इसलिए माणिक चंद उसका हमेशा पक्ष लेता है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसी स्थिति है मेरी। माणिक चंद को मैं रोड पे भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है, बोलो कितना चाहिए तुम्हें? अरे 25 लाख में मना लिया मैंने। क्या रे, तू ही है क्या वो? बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत खास है, क्या तुमने उसके साथ धोखा किया? तेरे चेहरे से ही लगता है तू धोखेबाज है, फिर भी उसने तेरे पर विश्वास किया, समझ में नहीं आता। बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलती करते हैं भाई। वो देखो बटुकनाथ के साथ फोटो। साले भाई बोलता उसको बटुकनाथ। क्या रे, अभी तुम लोग उसके साथ फोटो खिंचा रहे हो क्या? आजकल सपोर्ट कर रहा है वो? उससे पूछना मेरे बारे में, वो बताएगा तुम्हें। वो भी मेरा बॉस हुआ करता था, उसने मुझे काम पर रखकर छोटी सी गलती की। क्या रे, ए इसको बाहर निकालो, इसकी शक्ल पसंद नहीं मुझे। चल जा बाहर, छोड़िए सब। ठीक है, असल बात पे आते हैं, ये धंधा मैं डील कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर सारी लैंड वापस कर देंगे। फाइनल कब है? मंडे भाई। नेक्स्ट संडे तक मैटर क्लियर हो जाना चाहिए, वरना मंडे को फाइनल देखने के लिए तू नहीं बचेगा। हाँ भाई, सुना आपने, शीनू ने हमें मंडे तक का टाइम दिया है। नहीं भाई, स्कॉर्पियो होगा तो मस्त है भाई। हाँ ठीक कह रहा है। छोटू आजा आजा आजा। हे छोटू कैसा बेटा? तेरे लिए एक बच्चे लेके आया हूँ। ओह भैया, ए भाजू हटो, ए बैठ, मुझे दे दो वो बॉक्स। क्या अंदर आ जा, जा एंजॉय कर जा। हम लोग मेहनत करके चिटफंड में पैसा डालते हैं, अब वो हमारा पैसा नहीं दे रहा है। एक मिनट। हाँ बोल। राजा रेड्डी के पास है। क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा है भाई। बोल सोनू का आदमी हूँ। बोला हुआ नहीं सुनता है। साले को बोल मार डालूंगा। मारेगा, मार डालेगा तू, मार डालेगा तू, मार डालेगा। ऐसे क्या तैयार हो गया रे तू? क्या पाप किया है मैंने? जिस तरह सारे माँ बाप अपने बच्चों को पालते, वैसे मैंने भी पाला है रे तुझे। क्या बहन, तुम्हारा काम करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं है क्या? बाहर आने के बाद सारे लोग मेरे बेटे को गुंडा कहते हैं। तुमने ही कहा था ना कि बेटा पुलिस स्टेशन गया है, गुंडागिर्दी शुरू की है। बोलो कहा था कि नहीं? अभी क्यों आई हो? तुम लोग अपने बेटे को घर में छुपा कर रखो और मेरा बेटा गुंडागर्दी करता रहे, यही चाहते हो ना तुम लोग? यही चाहते हो ना? मिस्टर सोनू चौधरी, सन ऑफ कृष्णा चौधरी, एज 22, धंधा गुंडागर्दी, मेरे लिए एक लैंड सेटलमेंट करना है, करके दोगे? क्यों,
करके नहीं दे सकते? आप सीरियस है सर? क्या ठीक है सर, औरों से मैं 40% देता हूँ, आप हो इसलिए 20 ले लूँ। मगर माणिकचंद तो फ्री में करने को तैयार है। करवा लीजिए सर, उसको आपकी मदद की जरूरत होगी, उसके ऊपर बहुत केस है ना। केस मतलब? उसने कई मर्डर किए हैं सर। मर्डर? ये मर्डर तुम क्यों करते हो? और क्यों सर, धंधा है। धंधा? तुम लोग ये धंधा क्यों करते हो? और क्यों सर, मनी, पैसा। मनी, गुड पॉइंट। अच्छा तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? सर आपको पता नहीं क्या, आप पुलिस अफसर हैं सर, गैंग मेंटेन करना पड़ता है सर। गैंग मेंटेन करना पड़ता है? असल में तुमको गैंग क्यों चाहिए? गैंग बनानी पड़ती है सर। सर उन लोगों ने कहीं डाल दिया तो सर डर तो रहता है ना सर। डर मतलब फियर। सोच लो, गलती से तुमने एक मैटर किया, इसका तुम्हें डर है। अपने आप को बचाए रखने के लिए तुम्हें गैंग बनाना पड़ेगा, और गैंग चलाने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी, और पैसे के लिए तुम्हें धंधे की, और धंधे के लिए तुम्हें मर्डर करना पड़ेगा। सो इट इज अ विशियस सर्कल। एक बार ये शुरू हुआ तो बहुत मुश्किल से जाके रुकता है, बाद में जाके प्रॉब्लम किसको होती है? जो तुम लोगों के रिश्तेदार बाहर रह जाते हैं उनको। बाहर वाले मतलब फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स एंड फैमिली। फैमिली तुम्हारे दुश्मन इनमें से किसी को मार देंगे, क्या तुम उनको? अरे यू आर अ किड, मस्ती में आ गए। सुनो, मस्ती में आना इट्स जस्ट अ पैशन, मस्ती में ही चले जाना, बिना मतलब अपनी लाइफ खराब मत कर। सुन, एक महीने का टाइम दे रहा हूं, सारे केस वापस ले लूंगा, अब तुम जा सकते हो। बाय द वे, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट चांस, उसके बाद कोई चांस नहीं होगा, दोबारा मैं तुम्हें ऐसे नहीं मिलूंगा। ओके, नेक्स्ट। बहुत सेटल हो गया है तू, ये चेन तो ठीक कर ले, धंधा ठीक से चल रहा है। तू मुझे अपने बराबर समझ रहा है, कुंवारी यादव को मैं मार डालूंगा। सच में मौत क्या होती है तुझे पता है? किसी को अपने हाथों से मार के देख, तब तुझे पता चलेगा। मरने वाले की आंखों में मौत का डर देख, जा देख कर आ, तब मैं तुझे अपने बराबर मानूंगा। मैं तुझे छोड़ रहा हूं, ये मत समझना, आगे दुश्मनी खत्म नहीं होगी, बैलेंस रह जाएगी। मुझे लॉस होगा तो तुझे भी लॉस होगा। हाँ शुभ। हेलो सोनू। किसका है? लवर का। क्या है बोल भाभी जी। नमस्ते भाभी। चल 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 ये जनवरी 1st का ग्रीटिंग कार्ड, ये तुम्हारा कर्चिप और तुम्हारे लव लेटर्स, ये है सानिया मिर्जा रिंग, सब तुम ले लो, ये चूड़िया सब तुम ले लो। मेरी शादी यूएस के रमेश के साथ तय हो गई है, 2 दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी। मैंने तुमसे कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं। फेस मसाज करने के लिए टाइम है तुम्हारे पास, आज आखिरी दिन है, इसीलिए तुम्हारे मन पसंद की साड़ी पहन कर आई हूँ। अभी तक तुमने आँख उठाकर भी नहीं देखा। हे यो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें किसी बात का दुख नहीं तो मुझे किस बात का दुख? मैं खुश होकर यूएसए रमेश के साथ शादी करके अमेरिका चली जाऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। ये क्या हुआ? हाँ क्या है ये? ये किसने काटा? जख्म ताजा है, किसने भी काटा हो मुझे क्या? प्लीज अपना हाथ आगे करना। कम से कम जब तुम हाथ देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे हो तुम लोग? भाभी भाभी कहकर पुकारते थे, अभी तुम क्या करोगे? बहुत मस्का लगाया करते थे। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा भाई इम्पोर्टेंट है,
फिर कोई दूसरी लड़की आएगी तो उसे भाभी कहकर पुकारो। देखो तुम्हारे भाई को हम लोग अलग हो रहे तो भी दुख नहीं है। ए, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती ना तो घर छोड़कर भाग आती। अगर मैं भाग कर आती तो तुम क्या करते? मंदिर में ले जाकर तुमसे शादी कर लेता। वन मिनट अभी चले। लगी नीचे उतारो, नीचे उतारो। उतार तो रहा हूँ ना यार। 5 बजे तैयार रहना, 6 बजे शादी है, समझा? बोलना उसको, एक दूंगा। ओके ना, कुछ होगा तो नहीं ना? ओके ना, कुछ होगा तो नहीं ना? Oh,
तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? मार डालूंगी। कभी होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सोनू सब छोड़ दो, ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, मार डालेंगे। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे सोनू, और कहीं चले जाएंगे। सर हटा जा यहाँ से, जाओ यहाँ से। भाई 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 चुप रह, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो मैं सबको मार डालता।
अचानक हमले से डर गई है। ये मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती यार? एक बार सोचो ना भाई, सोचो ना भाई। ए यार, ऐसी वीकनेस मुझे नहीं चाहिए। ए जा यहाँ से, जा, तेरा बाप जहाँ बोलता है शादी कर। ए लेके जाओ उसको। भाई सोचो, लेके जा, बोला ना जाओ। भाई जनरल्स का फोन है, बात करना चाहता है। हेलो, ओके छोड़ दो, तुम अभी बच्चे हो, तुम लोग ये डील नहीं कर पाओगे। असल तो मेरी गलती है जो इस पेपर वाले की बात मानी मैंने। डर, डर से सारा काम होता है, लेकिन तुमसे कौन डरेगा? तुमने क्या किया है जो लोग तुमसे डरेंगे? वो माणिकचंद, उसने मर्डर किया इसलिए लोग उससे डरते हैं। माणिकचंद के साथ मैं सेटलमेंट कर लूंगा। जाओ जाओ तुम लोग, माणिकचंद को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ए सत्य बाबू, लोगों को क्या ये फैशन लगता है कि वो किसी को भी मार देंगे? पान का डब्बा लगाओ और तुम जाओ यहां से, जाओ। लास्ट चांस दो मुझे। क्या करोगे तुम? उस यादव को मार डालूंगा। भाई मेरी बात सुनिए भाई, हम लोग यहाँ से ड्रॉप हो जाते हैं। ये मर्डर हमने किया तो लगेगा गेम हमने स्टार्ट किया है। सिर्फ वार्निंग करने से उसने अटैक किया है। अगर मर्डर किया तो हमारे पूरे गैंग को ही खत्म कर देगा, हमें जीने नहीं देगा। ये मर्डर हमारे बस की बात नहीं है भाई, उस बिल्डर को हम बोल देते हैं, ये हमसे नहीं होगा। क्या बकता है तू? हम मर्डर जरूर करेंगे, सेंटर में कोई डरेगा नहीं। अपने को बड़ा दादा समझा है, छोटा बच्चा देखकर हंस रहे क्यों भाई? उसने अटैक किया है हम पर, बटुकनाथ मर्डर किया इसलिए जनता डरती है उससे, वही अपन भी करेगा। सेंटर में अपन को सलाम करेंगे लोग। क्या मर्डर करेंगे? अभी हम लोग अस्पताल से अपनी जान बचा कर आ रहे हैं और मर्डर करने की बात करते हो? यहाँ तक आ गए तो मरने डरने कैसा भाई? यह हर काम में ऐसे ही टांग अड़ाता है, यही नाटक है। क्या टांग अड़ाता है? जिंदा रहेगा तो नाटक करेगा ना भाई। इसके बाद में मत जाओ, अब ड्रॉप हो गया समझो, सब हमें पागल ही समझेंगे। क्या अनाड़ी जैसा बात करता है? ए अनाड़ी तू, डरपोक तू। ए फालतू बात मत कर, तू खाली अपनी बात करता है। किससे हमारी जान बची है? ए कैसे के बारे में सोच रहा है? हमारी जिंदगी के बारे में सोच रहा है? अकेले के लिए नहीं, चल तू रे। क्या समझते है? चल रे, चल रे। अब क्या करना है बोलो? धंधा बंद कर देते हैं। मेरी बात सुनो, माणिकचंद से कॉम्प्रोमाइज कर लो। उतर। उसका घर है, सुबह सुबह 6 बजे उठेगा। हाँ। उधर से डायरेक्ट साइट को जाएगा, 6 से 7 बिल्डिंग का काम देखेगा। उधर से डायरेक्ट जिम को जाता है, किसी भी हालत में जिम को जाएगा। उधर चाय मंगाएगा, बाजू में कार पार्क करेगा, इधर एक चाय सिगरेट पिएगा। कम से कम 10 मिनट लगेगा। ऑलरेडी अपना सती इधर वेट करेगा, बाजू में एसटीडी बूथ है, उधर मारुति कार में हम वेट करेंगे। इधर से उधर का डिस्टेंस 100 मीटर दूर है, इस बाजू पूरा खाली जगह है। वह आते ही सती हमें कॉल करेगा, तब हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे। 11 बज गए, अंधेरी के साइड में रहेगा। चांस बोला था ना एक, अभी मार डालते हैं। बाद में क्यों हंगामा हो, काम में देरी नहीं होनी चाहिए, खत्म कर दो अभी। इसके बाद पहले हम अटैक करेंगे। सुपर भाई। चांस बोला था ना एक, ये क्या करने भाई, तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, इसको दबाएगा तो पट्टे आदमी खत्म हो जाएगा। अरे भाई, मुझे भी देखना, मुझे भी देखना, मुझे भी देखने दो।
मुझे भी दिखा दे। अरे भाई तो भागने में खतरनाक है। अरे वाह भाई, अली का शेरावत इतना स्मूथ है भाई, ये रहेगा तो इससे मर्डर करेगा। यह एरिया में मर्डर किया तो अब भाई इज्जत बढ़ेगा भाई। तू क्या कर रहा है यहाँ? वो इधर रहता है भाई। चल बाहर जा, बोला ना बाहर जा, चल बाहर जा, चल जा, निकल घर पे जा। Today, I'm going to be a killer. First time, मैं किसी का मर्डर करने आ रहा हूँ। भाई, हम लोग नारियल फोड़ के निकल जाएंगे। अरे क्या बात करता है? चल चल चल। भाई, ये जगह अपने लिए ठीक नहीं है भाई। नहीं, चलो। कैसी बात? चलो। चल बैठ। चल चल जगह। सामान डाल उधर। हाँ माँ। क्या नहीं आया? अभी आता ही हो। उसी को मारने वाला है मेरा भैया। अरे वो निशान वाला बंदूक की गोली से एकदम टपका देने वाला है मेरा भैया। हाँ। हो। उधर जाए, ऊपर से मारेगा या नीचे से मारेगा? हाँ? नहीं पता। देख 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 कैसी आवाज आई, भाई का पत्ता उठा के देख। हाँ अभी डर क्या रहा है, चलना गेम खेलना भाई। क्या अभी तक तेरा भैया आया क्यों नहीं? हाँ? आएगा आएगा, रास्ते में है, आएगा। Oh.
चलो जाएंगे चल। अरे रुक ना भाई, क्यों नहीं मारा उसको? मुझसे नहीं होगा। बहुत ढूंढा, छोटू का कहीं पता नहीं चला। पुलिस भी ढूंढ रही है और मलिक भाई के आदमी भी ढूंढ रहे हैं। मिले तो छोड़ेंगे नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किधर चलना है भाई? आपने चुका था वो सब सस्ता सर, मेरी मस्ती के कारण मेरा भाई बलि नहीं चढ़ना चाहिए। छोड़ दूंगा सर, सब कुछ छोड़ दूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा सर। मुझे मेरा भाई चाहिए।
बाहर मानिक के आदमी ढूंढ रहे उसे, लोग छोड़ेंगे नहीं। मेरा छोटा सा भाई है, मर्डर केस, मर्डर किया। मेरी बात सुनिए, जो होना था वो हो गया। मैं यहां पर सही गलत की बात नहीं करने आया। तुम लोग तो बाहर आने वाले नहीं हो, छोटा बच्चा है वो, उसे तो कम से कम जीने दो, एटलीस्ट उसे तो इन सबसे बाहर रखो। कमिश्नर साहब देखो, अब ये मत कहना इस मर्डर से उसका कोई संबंध नहीं। सोनू के प्रति हमारे दिल में कोई नफरत नहीं, और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं। मैं कमिश्नर की हैसियत से बात नहीं कर रहा, तुम दोनों ने वैसे उस बच्चे को खूनी बना दिया। किसने गलती की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एटलीस्ट लेट हिम लिव। भाई उसे छोड़ दो भाई, उसको कुछ नहीं पता, जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। जो भी करना है मुझे करो, उसे छोड़ दो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो उसे। एक मिनट साहब, भाई सोनू का भाई मिल गया है, उसका क्या करूं? कमिश्नर साहब, सोनू मेरे भाई जैसा है, आप जो बोलेंगे वही होगा। थैंक यू, नमस्ते। नमस्कार। ओके सोनू, बाकी तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा, फिक्र मत करो। थैंक यू सर। इट्स ओके। कोई बात नहीं भाई, वो आई है। हम लोग ये सब छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। सूटकेस भर के रखा है, लाओ क्या? क्या बात है? बहन कैसी है? ठीक है। कहाँ है वो? चाय पीनी है क्या? चल।
भाई सोनू का भाई मिल गया है, उसका क्या करूं? मार दो। मैंने पहले ही कहा था कि उन लोगों से हाथ मिलाने लगे तेरी बात नहीं माना। मेरे भाई को क्यों मारा? मार डालूं उसको? क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है तू? हम लोग खेल खेल रहे हैं? मेरी माँ कहती थी एक पे वार करने से तीन होते हैं, एक दो तीन। एक दो तीन? नहीं, ये खेल मुझे नहीं चाहिए, और तुम्हें भी नहीं। नहीं तो तुम मेरे जैसा बन जाएगा। जा, अच्छे से पढ़ ले, जा बेटा। सोनू!
सोनू को देखकर आपको उसके ऊपर दया आ रही होगी। क्या उसकी जिंदगी खराब हो गई? क्या सोसाइटी उसकी रक्षा करेगी? अगर सोनू अपनी सोच में कामयाब हो जाता उसके बाद क्या होता, आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ते बीच में कई हैं। हिंसा आजकल एक कॉर्पोरेट बिजनेस हो गई है। हर बिजनेस अब हिंसा से लिंक हो गया है। जिनकी ऐसी सोच है, हिंसा आजकल एक कॉर्पोरेट बिजनेस हो गई है। हर यूथ इंसान में इस तरह की इच्छाएं पैदा होनी आम बात है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक जानवर छिपा होता है, और वो जानवर को इंसान अपने आप खत्म कर दे तभी यह सोसाइटी अच्छी बन सकती है। सोनू, सोनू क्या है? सर जरा पैर हटाएंगे क्या? पैर हटाएंगे प्लीज। क्या है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सत्तिक माणिकचंद कौन है पता है तुम्हें? वो मेरा चेला था। सोनू मालूम है कौन है? मेरे पास काम करता था। गुंडा था। हाँ वो लोग मेरे पास काम करते थे। चल मुंह बंद करके सीधे पिक्चर देख। चल सामने देख। Ha 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 ha!